मैच वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे, सैक ऑफ पोटेटोज हो गया और दूसरा है गोस्टा ग्रीन। यहाँ पे आप अपने आप ये ड्रिंक वगैरह आपने करनी है यहाँ कर सकते हो। अब हम आपको जो मेन बिल्डिंग है स्टेन की वो दिखाते हैं और उसके साथ साथ वीडियो बने रहे आपको प्रॉपर दिखाएंगे। इधर जिम हो गया, स्विमिंग के लिए, बैडमिंटन, वो सब भी है यहाँ पे स्टेन के कैंपस के अंदर ही। तो ये वीक में या हर दूसरे तीसरे वीक में ना इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं खाने पीने के लिए, मैं बंदों को सोशलाइज वगैरह करने के लिए बुलाते रहते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो आज आपको मेरे पीछे एस्टन यूनिवर्सिटी का कैंपस तो देख ही रहा होगा। आज की वीडियो में आपको इसी का टूर वगैरह दूंगा, कहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह कौन कौन सी है वो सब आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अगर आप सिटी सेंटर से आओगे तो आप ऑपोजिट साइड से एंट्री वगैरह होगी, अगर आप डायरेक्ट टैक्सी या उससे आओगे तो आप सीधा मेन बिल्डिंग पे आप पहुंच जाओगे। एक साइड पे आपको लेक साइड दिख रही है, अकोमोडेशन वगैरह है, इस साइड पे मैरिस्टर अकोमोडेशन है, इसी का मैंने टूर वगैरह दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में भी वीडियो आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं, प्रॉपर कैंपस टूर वगैरह देंगे, आपको दिखाएंगे कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है। जैसे मैंने बीसीयू का भी दिया था, अगर आपने बीसीयू का भी नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा वो वीडियो का लिंक, इसके बाद जाके आप वो भी देख सकते हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं इनके स्टूडेंट यूनियन की तरफ, लेट्स गो। आप यहाँ आओगे आपको इनकी स्टूडेंट यूनियन अलग से दिख जाएगी। अगर आपको मेरे पीछे बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही है, ये सारी स्टूडेंट अकोमोडेशंस है, इनकी बिल्डिंग्स भी है बीच बीच में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपको मेरे पीछे स्टूडेंट यूनियन इनकी अलग से ही दिख रही होगी। तो वो इनकी स्टूडेंट यूनियन है, उसके अंदर कैंपस शॉप वगैरह होगी और जैसे आप कह सकते हो अपनी सोसाइटीज़ के इवेंट वगैरह होते हैं, पूल वगैरह, मतलब आपको गेट टुगेदर वगैरह करनी है स्टूडेंट्स के साथ, सोशलाइज वगैरह करना है, वो सब आप वहाँ जाके कर सकते हो। तो वहाँ आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। तो आज हम संडे को वीडियो शूट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वगैरह संडे को बंद होती है, मंडे टू सैटरडे तक खुली रहती है, फ्राइडे तक तो मेन क्लासेस वगैरह होती है, बाकी ज्यादा टाइम बंद ही रहती है। अगर आपको मैं इस साइड भी दिखाऊँ, एस्टन लेक इसको बोलते हैं, ये हार्ट की शेप में बनी हुई है क्योंकि बर्मिंघम के मतलब हार्ट की जगह पे ये है, कुछ है इसके पीछे फिलोसफी वो इतना नहीं मुझे पता, आपको लेक भी हम दिखा दें। तो ये अभी मेंटेनेंस वगैरह की वजह से बंद किया होगा, आप दूसरी एंट्री वगैरह से आके यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा हार्ट की शेप में ये लेक बनी हुई है, पानी अभी कम है इसका क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह चलती है, आपको मैंने जैसे बताया। यस, बिल्डिंग दैट इंस्पायर, इनको अवार्ड मिल चुका है क्योंकि अच्छी सी लगती है, यूनिक सी बिल्डिंग है, हर एक में अलग सी ये खिल के आ रही होती है। अगर आपको मैं इसके अंदर का बताऊँ, सारी नॉर्मल बिल्डिंग्स वगैरह है इस टाइम पे, आपको जैसे पहले मैंने बताया संडे है तो बिल्डिंग्स वगैरह क्लोज है, ये वाली जैसे यूनियन वगैरह, बाकी आप लाइब्रेरी वो सब एक्सेस वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैंपस शॉप मिल जाएगी, खाने पीने का तो आपको अपनी बिल्डिंग्स वगैरह में भी मिल जाएगा, और आपका जैसे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको बीसीयू में मिलेनियम पॉइंट वगैरह बताया था, वहाँ पे इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह होते हैं, यहाँ पे भी इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह होते हैं। अब आपको लेके चलते हैं हम दूसरी तरफ, जैसे आपको मैं बताऊँ एक मेन बिल्डिंग इनकी यहाँ पे आगे स्टूडेंट यूनियन वगैरह होती है, आपको इसके आसपास सामने सारी अकोमोडेशन वगैरह दिख जाएंगी, ठीक है। अगर आपको इसके साथ में बताऊँ, अगर आपको खेलने खुलने का शौक है, यूनियन के साथ में आपको फुटबॉल क्लब दिख जाएगा, इनका फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल स्टेडियम वगैरह जो भी आपको बोलना। इसके नीचे आपको कार पार्क दिख जाएगी, नीचे ही कार पार्क है, और ये है इनका फुटबॉल क्लब। यहाँ पे और भी है बहुत सारे, वो भी आपको दिखाएंगे, जैसे बैडमिंटन हो गए, टेनिस, स्विमिंग, वो भी आपको प्रॉपर दिखाएंगे। अभी पहले ये दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ। वो चलो, गाने चल रहे हैं, मैच वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे, ये देखो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो दो में, छोटे छोटे में, तीन में, या फिर एक पूरे बड़ी फील्ड में। इसके आपके आसपास जो आपको दिख रही है ये सारी अकोमोडेशन वगैरह है। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ। तो आपको मैंने दिखा दिया फुटबॉल स्टेडियम है जो इंदर का, अब हम आपको लेके चल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग बिल्डिंग है, उसके ऊपर सारी अकोमोडेशन वगैरह है, लेकिन नीचे जो है जैसे आपको मैंने बताया स्टूडेंट यूनियन का एक है, यहाँ पे क्या होता है सोसाइटीज वगैरह अपने हिसाब से अपनी जो जगह है इनकी वो बुक करके इवेंट्स वगैरह अपने प्राइवेसी में कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे तो स्टूडेंट वगैरह आ जा सकते हैं ना, यहाँ पे आप पूरा एक बुक कर सकते हैं और जैसे स्टूडेंट को गेट टुगेदर वगैरह करनी है वो सब यहाँ पे होते हैं, आप वहाँ लेके चलते हैं।
तो आपको मेरे पीछे देखो मार्टिन लूथर के मल्टी फेथ सेंटर वगैरह है, ऊपर सारी अकोमोडेशन है यहाँ पे इनका अलग अलग होता है। आपको अगर अपने जो स्टूडेंट यूनियन की ईमेल्स वगैरह होती है तो ये वीक में या हर दूसरे तीसरे वीक में ना इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं खाने पीने के लिए, मैं बंदों को सोशलाइज वगैरह करने के लिए बुलाते रहते हैं, पिज्जा ड्रिंक्स गेम्स वगैरह करते रहते हैं, हर हफ्ते भी करते हैं कभी कभी जब स्टार्ट होता है सेशन वगैरह सेप्टेम्बर अक्टूबर में। बिल्डिंग्स वगैरह जो आपको यूनियन वगैरह की होती है तो अब से मेन कैंपस वगैरह एस्टन यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है। आपको मेरे पीछे लाइब्रेरी दिख रही होगी, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, 24/7 लाइब्रेरी वगैरह है, इसके अंदर भी फूड कोर्ट वगैरह है, आपको कुछ खाना पीना आप अंदर ही खा पी सकते हैं, वेंडिंग मशीन वगैरह भी लगी है। और इसके सामने आपको दिख रहा होगा एस्टन यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, सबसे मेन बिल्डिंग है जो बिजनेस स्कूल वगैरह वहाँ पे है। आपको और भी दिखाते हैं कौन कौन से साइंस लॉ वगैरह कहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश वगैरह किए होते हैं। लेट्स गो। तो जैसे आपको मेरी लाइब्रेरी दिखाई, यहाँ पे लाइब्रेरी है, इसके साथ में ही जैसे बीच में रोड वगैरह है, यहाँ पे अगर वो टैक्सी वगैरह आप मंगवानी है कुछ भी है यहाँ पे आप टैक्सी ड्रॉप करवा आपका हो सकता है, दूसरी साइड पे भी हो सकता है। आपको जो मेन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन वगैरह होती है यहाँ के पोस्ट कोड वगैरह क्या है, आने के लिए बहुत दिक्कत वगैरह होती है। अगर आप एयरपोर्ट से यहाँ पे आपको एस्टन में सीधा आना है तो आप B47UP यहाँ का पोस्ट कोड है, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा मेंशन कर दूंगा। आप सिर्फ टैक्सी वाले को वो भी बता दोगे या अपने उबर या जिस जैसे भी आप आ रहे हो वो लिख दोगे गूगल मैप पे का सारे आपको शो हो जाएंगे वेज कैसे आप यहाँ आ सकते हो। B47UP यहाँ का है मेन बिल्डिंग वो है। और सबसे मेन बात जब आप यहाँ पे आओगे आपको आईडी कार्ड देने होते हैं, एनरोलमेंट वगैरह वो आपको मैंने जैसी लाइब्रेरी दिखाया लाइब्रेरी में आपको वो सब मिलेगा। आप उसके बाद ही अपनी जो मेन बिल्डिंग्स वगैरह अगर आप लॉ में आ रहे हो बिजनेस साइंस में वो बिल्डिंग एक्सेस आपको करने को मिलेगी। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं एस्टन के जो लॉ स्कूल हो गया बिजनेस स्कूल हो गया। बिजनेस स्कूल मेन बिल्डिंग में भी है लेकिन जैसे वही होते हैं क्लासेज और लेक्चर्स वगैरह वो सब थोड़े बहुत अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरे पीछे ही बिजनेस स्कूल हो गया लॉ स्कूल हो गया, ये इधर सारे मेन जो ये लॉ बिल्डिंग वगैरह है। अब हम आपको जो मेन बिल्डिंग है एस्टन की वो दिखाते हैं और उसके साथ साथ वीडियो बने रहे आपको प्रॉपर दिखाएंगे। इधर जिम हो गया स्विमिंग के लिए बैडमिंटन वो सब भी है यहाँ पे एस्टन के कैंपस के अंदर ही, वो कहाँ कहाँ पे है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप ये वीडियो देख के सीधा वहाँ पे जा सको। लेट्स गो। एस्टन की जो मेन बिल्डिंग है बिजनेस स्कूल वगैरह इसके अंदर है, आपके लेक्चर्स वगैरह वो भी आपके बहुत सारे लेक्चर हॉल्स वगैरह यहाँ पे हैं। मेन जो ऑफिसेज वगैरह वो भी आपको इस बिल्डिंग के अंदर मिल जाएंगे देखने को। आपको मेन एंट्रेंस वगैरह हम दिखा दें क्योंकि अभी जाना अंदर जाने का मन नहीं है, वीडियो में इतनी लंबी करनी नहीं है। अगर आपको है कि मैं ये बिल्डिंग अंदर से भी दिखाऊँ जैसे मैंने BCU में किया था बर्मिंघम स्टेट यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं, वो भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। आपको मैंने पीछे दिख रहा होगा मेन एंट्रेंस यहाँ पे दिखा हुआ है, जो आपने ऑनलाइन फोटोज वगैरह वो भी लोगों की देखी होगी, मेरा भी थंबनेल आपने देखा होगा, इधर ही मैं अभी खींचने वाला हूँ थंबनेल। यही है एस्टन का कैंपस जो मेन स्टडी एरिया वगैरह होते हैं, तो मेन आपको बिल्डिंग्स वगैरह मैंने दिखा दी। और अगर आपको है कि आई क्लिनिक हो गया लॉ बिल्डिंग तो आपको मैंने दिखा दी, साइंस वगैरह की है, लास्ट वीडियो मैंने एक डाली है हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट वगैरह उसके ऊपर भी है वो वीडियो है, उसके अंदर मैंने वो बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी वो वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये होता है हमें खाना पीना खाना है यार, यहाँ पे नहीं खाना एस्टन के आसपास कहीं पे क्या क्या खाने पीने के लिए हमें यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपको मैं दिखाऊँ सामने आपको एस्टन यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी दिख जाएगा और इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें मेन जो आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि टेस्को हो गया कॉस्टा इनके कार्ड वगैरह आपको मैंने तभी बोले थे कि यूनिवर्सिटी के आसपास ये स्टोर वगैरह आपको मिलते ही मिलते हैं ज़्यादातर। अगर मैं आपको अब दिखाऊँ वो आपको वहाँ पे कॉस्टा मिल जाएगा, साथ में इसके टेस्को है, वो वहाँ पे कार पार्क वगैरह होगी, यहाँ से आप अपनी साइकिल्स वगैरह अगर आपको है कि आपको थोड़ा बहुत सिटी सेंटर वगैरह में घूमना फिरना है तो यहाँ से आप अपनी साइकिल्स वगैरह भी रेंट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइकिल्स मिल जाएगी, पोर्टेबल साइकिल्स वगैरह होती है, फोल्डेबल वगैरह होती है, 3.5 pounds 3.50 pounds एक दिन के आपको देने पड़ते हैं। इसके अंदर से आपको साइकिल मिल जाएगी, ये वाले स्कूटर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो दूसरी साइकिल्स होती है इलेक्ट्रिक साइकिल्स वो उसके दूसरी एंड पे जाके आपको मिल जाएगी। आप जैसे मेन बिल्डिंग से निकलोगे आपको लेफ्ट साइड पे जाना है, लॉ स्कूल के पीछे ही आपको आई बिल्डिंग दिख जाएगी, आई क्लिनिक बिल्डिंग है जो साइंस बिल्डिंग हुआ आपको उसके पीछे दिख जाएगी और उसके एग्जैक्ट बैक साइड पे जिम वगैरह है, वो आपको वहाँ लेके चलते हैं। ये सारे कैंपस ही चल रहा है, पीछे वो इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग वगैरह वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये आपका हो गया, ये साइंस वगैरह हो गया, आई क्लिनिक होगी, विजन साइंस बिल्डिंग्स, ये सारी आपको इस साइड पे मिल जाएगी। अब हम आपको लेके चलते हैं आपके जिम्स वगैरह कहाँ पे है, उधर ही मतलब वो एक है बिल्डिंग है उसके अंदर ही आपको हर चीज मिल जाएगी, जैसे जिम हो गया, स्विमिंग हो गई, टेबल टेनिस, टेनिस हो गया और बैडमिंटन, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और जो पूल टेबल्स वगैरह आपको स्टूडेंट यूनियन वगैरह में भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह जो भी है यहाँ पे आप कर सकते हो। इसको तो
वहां से आप आओगे, वहां से जैसे आप राइट हो जाओगे, अब राइट तो आपको बाद में करवाते हैं, पहले आपको लेफ्ट में दिखा दे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपको पीछे में दिख रहा होगा सैक ऑफ पोटैटोज हो गया, गोस्टा ग्रीन, वो यहाँ के क्लब्स पब्स वगैरह है, वहाँ के आप अपना एंजॉय वगैरह कर सकते हो। इसके बाद आपको वहाँ लेके चलते हैं, वो भी दिखाते हैं, वो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट बैठ जाता है ना थोड़ा सा, तो वीडियो के एंड तक देखेंगे, स्किप मत करना, पूरी देखो। इसके सामने आपको होटल वगैरह अगर है कि आपकी अकोमोडेशन वगैरह बुक नहीं हुई, आपने यूनिवर्सिटी आना है, तो आप यहाँ पे एल ऑफ होटल वगैरह डाल सकते हो। वही आपको जैसे मैंने पहली पोस्ट कोड बताया B47UP हो गया, यूपी है, उसके आसपास की भी पोस्ट कोड है। यूपी अगर आप लिखोगे तो आपको एग्जैक्ट वहाँ पे टेस्को के पास ले आएगा, उसके ऑपोजिट में आपको आपकी बिल्डिंग दिख जाएगी, मेन बिल्डिंग, लाइब्रेरी वगैरह, तो आप यहाँ वाला होटल भी बुक वगैरह करा सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग में आके यहाँ पे रहना है कुछ दिन के लिए। तो ये है इनका मेन सेंटर, मेन बिल्डिंग एकदम बैक साइड पे ही, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूल हो गया, पूल खेलने वाला, वो पूल नहीं, स्विमिंग पूल, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे पूल वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे, ये नहीं कि एक ही पूल है उधर ही भीड़ वगैरह लग जाती है, ऐसा नहीं है। पूल हो गया, बैडमिंटन आपको खेलना है, जिम हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह आपको यहाँ पे कर सकते हो। और इस टाइप इन्होंने 95 pounds का लगाया हुआ है, एक टर्म के लिए आपको सिर्फ 95 pounds देने हैं, और जो मर्जी करो आप, एक बार आपने अगर पे कर दिया आप जो मर्जी वहाँ पे बुक कर सकते हो। आप अपने स्लॉट्स वगैरह बुक करवा सकते हो कि इस टाइम पे हम आएंगे, तो वो चीज़ आपके लिए वहाँ पे रिजर्व हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से राइट हो जाओगे तो दोबारा आप कैंपस की तरफ पहुँच जाओगे। ये आपको यहाँ पे मैंने दिखाया एल ऑफ होटल्स वगैरह अगर आपको बुक करना है, आप ये भी बुक वगैरह कर सकते हो। अगर हम वापस यहाँ पे जाएंगे, सामने आपको बिल्डिंग वगैरह जो दिख रही है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन वगैरह है, उधर से राइट हो जाओगे तो आप मेन आपको कैंपस बिल्डिंग वगैरह वो सारी है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो इधर जाने से पहले आपको हम लेके चलते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पे क्लब वगैरह पब वगैरह वो सब आपको दिखाते हैं। तो जैसे आपको जिम वगैरह आपको मैंने दिखा दिया, पहले उसके लिए राइट हुए थे, अगर आप उधर से आप लेफ्ट हो जाओगे, जरूरी नहीं आपको उधर से आना है, आपको मेरे पीछे मेन बिल्डिंग दिखी रही होगी, आप वहां से भी साइड साइड से इस साइड पे आ सकते हो, आपको इधर मिल जाएगा सैक ऑफ पोटैटोज हो गया, और दूसरा है गोस्टा ग्रीन, यहाँ पे आप अपने आके ड्रिंक वगैरह आपने करनी है यहाँ कर सकते हो। मैं प्रमोट कुछ नहीं कर रहा, बंदों की अपनी चॉइस है। यहाँ पे पार्टीज वगैरह होती है, स्टूडेंट नाइट्स वगैरह होती है, वो आपके वहाँ पे गोस्टा ग्रीन वगैरह में ऑर्गेनाइज वगैरह होती है। तो जैसे कि आपको मैंने वहाँ पे मेन फुटबॉल स्टेडियम दिखाया, जिम वगैरह आपको मैंने दिखा दिया, उसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह हो गए, यहाँ पे एक छोटा भी है जैसे प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, आप यहाँ पे भी आ सकते हो फुटबॉल वगैरह की। यहाँ की आपको बुकिंग वगैरह ज्यादा मेरे ख्याल नहीं करवानी पड़ती है, उसकी आपको बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, तभी आप वो वाला एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट करके जरूर था वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आप कोई भी डाउट्स वगैरह आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और मेरी इंस्टा की आइडिया रहेगी, आप मुझे डीएम करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, बेल आइकन जरूर दबा लें कि नेक्स्ट वीडियो जब भी है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टे सेफ, हैव फन, बाय बाय।